नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस के जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के ताज़ा अपडेट। दोस्तों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स आई है एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है जी, एडमिशन 2020। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इस एडमिशन के रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह आप देख सकते हो ऑफिशियली प्रोस्पेक्ट आया हुआ है, ठीक है जी। प्रोस्पेक्ट सेशन 2020 के लिए फोर एडमिशन एडमिशन के रिगार्डिंग आई हुई है आपका प्रोस्पेक्ट बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है जी, यानी कि BPT के रिगार्डिंग आया हुआ है और एडमिशन आपका और बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT कोर्स के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और BSc एंटोमनी और एंटोमनी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इन कोर्सों के लिए आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपका प्रोस्पेक्ट आया है ऑफिशियली। तो इसमें हम पूरी डिटेल से देख लेते हैं, ये में आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल सके, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ इसके बारे में। तो ये आपके ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं 28 जुलाई 2020 से, ठीक है जी। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आपको फॉर्म को फिल करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है www.bfuhs.ac.in। अब बात करते हैं आपकी लास्ट डेट कब रहेगी। लास्ट डेट आपकी 16 अगस्त 2020 है इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और अब बात करते हैं आपकी फ़ीस क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी 3000 रुपये UR और OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है जी। वहीं 1500 रुपये रहेगी आपकी SC कैटेगरी के लिए प्लस में GST एज पर रूल्स। और लास्ट डेट आपकी फ़ीस डिपॉजिट की रहेगी 17 अगस्त 2020 दे रखी है, ठीक है जी। इसमें आप दे सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब बात करते हैं शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग की। तो 20 अगस्त से आपकी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और 150 इज फिलिंग फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो 23 अगस्त से 25 अगस्त तक आपकी आपका फर्स्ट राउंड रहेगा। उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा 29 अगस्त को। उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग ऑफ अलॉटमेंट कॉलेज आपका 1 सितंबर से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग ऑफ अलॉटेड कॉलेज, ठीक है जी। अब बात करते हैं आपको इसमें एडमिशन के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपका फर्स्ट कंपलसरी रहेगा आपके प्लस टू की DMC मार्कशीट, ठीक है जी। आप ये देख सकते हो इसमें कोर्स में एडमिशन के लिए आपको DMC लगेगी आपकी, वो आपको जरूर चाहिए प्लस टू की। और इसमें आप देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है जी। अगर आपको इस जॉब के रिगार्डिंग इस एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्यूरी या कुछ पूछना है तो आप इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं bfuhs@gmail.com, ठीक है जी। इसमें देख सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और याद है प्रेस प्लीज नोट दे रखा है रीड केयरफुली, इसे आपको कंपलसरी है, आपको रीड करके ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एडमिशन के रिगार्डिंग। ये Part 1 Part 2 बना रखा है, ठीक है जी। तो आप जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में Part 1 Part 2 और Part 3 तीनों बना रखे हैं। तो आप वहीं पे जाके आराम से चेक करके फॉर्म को फिल कीजिएगा। ये आप देख सकते हो प्रोस्पेक्ट आया हुआ है 62 पेज का, ठीक है जी। अगर डिटेल से बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने बता दिया आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन लेना है तो ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है जी। ये देख सकते हो इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसमें आपको फिल करना पड़ेगा। ये आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में दे रखा है, ठीक है जी। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इसके एडमिशन के रिगार्डिंग। अब ये देख सकते हो आप Part 2 देखा, Part 2 में देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसमें चिपका रखा है। ये आपका 21 अगस्त का चिपकाया हुआ है, ठीक है जी। आपका एडमिशन वो बैचलर फिजियोथेरेपी BPT और MLT और BSc मेडिकल के लिए रिगार्डिंग आपकी एडमिशन के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्ट आया हुआ है, ठीक है जी। तो आप इसको आराम से अच्छे से चेक करके फॉर्म को फिल कीजिएगा।
इसमें आपको ये बता रखा है एडमिशन के रिगार्डिंग कौन कौन से कोर्स के रिगार्डिंग आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ये बात और डिटेल में बता देता हूँ आपका। फर्स्ट तो आप ये दे सकते हो, इसमें कंपल्सरी रहेगा आपकी एज सैन की मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, ठीक है जी, इसमें आप दे सकते हो। और फर्स्ट सेकंड बात करें तो आपका अगर आप बीपीटी में कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको इसमें आपके प्लस टू में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपके प्लस टू पास होनी चाहिए और आपके 35% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी, इसमें आप दे सकते हो। सेकंड बात करें अगर आपको बीएससी एमएलटी में एडमिशन लेना है तो आपको प्लस टू में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल आपके 40% मार्क के साथ में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वहीं एससी और बीसी के लिए 35% मार्क्स होने कंपलसरी रहेंगे। थर्ड दे सकते हो अगर आपको बीएससी मेडिकल एबीबी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके प्लस टू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और एससी बीसी कैटेगरी वालों के लिए 40% मार्क्स में मांग रखे हैं, ठीक है जी। और ये रिजर्वेशन का दे रखा है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए 25% सीट्स रहेंगी, कोटा सीट्स। बैकवर्ड क्लास के लिए 10% है, बैकवर्ड एरिया बॉर्डर एरिया के लिए आपकी 2% है, फिजिकल डिसेबिलिटी अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है उनके 5% सीट्स में छूट है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1% है, ठीक है जी। इस तरह से आप देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये आपका प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग दे रखा है, ठीक है जी, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, प्राइवेट कॉलेज के भी दे रखे हैं इसके अंदर साथ में, ठीक है जी। सिलेक्शन हुई आपकी फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया ऊपर पूरी डिटेल से, और ये आपका हॉस्टल एंड सिक्योरिटी फ़ीस एडवांस ये आप दे सकते हो, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कब कब के लिए कितनी आपकी फ़ीस रहेगी, ये आपकी फ़ीस दे रखी है पूरी डिटेल, ट्यूशन फ़ीस एडमिशन फ़ीस स्टूडेंट फंड मेडिकल फ़ंड, ठीक है जी, और ये आप दे सकते हो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है फ़ीस के रिगार्डिंग, तो ठीक है जी, तो देख सकते हो टोटल 62 पेज की ये PDF प्रोस्पेक्ट आया हुआ है। अगर एडमिशन लेना है तो दोस्तों आप उसको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर ये फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।